दूसरा कलमा जब डाकू ने बोला प्रभु तू मेरी सुधि लेना, प्रभु ने उससे कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस करो, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस स्वर्ग पैराडाइज द प्लेस विच इज जस्ट लाइक हेवन बट नॉट हेवन, एक ऐसा स्थान जो स्वर्ग जैसा है लेकिन स्वर्ग नहीं है। प्रभु ने उससे इस बात को बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम इस बात को देखते हैं कि कलवरी क्रूस पर यीशु के साथ में दो डाकू थे, एक उसके दाएं और इसके बाएं। इसके लिए एक वजह थी, इसके पीछे एक नबूवत थी, इसके पीछे एक भविष्यवाणी थी कि वो अपराधियों के साथ गिना जाए। इसलिए बगल वाला भी अपराधी, अगल वाला भी अपराधी, दाएं साइड वाला भी अपराधी और बाएं साइड वाला भी अपराधी। और यीशु के ऊपर एक तख्ती लगानी थी यहूदियों का राजा, है ना? और वहां पर हम इस बात को देखते हैं, वहां पर इस बात को समझते हैं कि किस तरीके से यहां पर आपस में कुछ वार्तालाप हुई। यदि हम लूका उसके 23 उसके 39 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है जो कुकर में लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें। एक ने कुकर्मी ने इस बात को बोला क्या तू मसीह नहीं। इससे एक चीज पता चलती है कि ये इस बात को सुन चुका था कि यीशु कौन है, कौन है मसीह शब्द जल्दी से कोई निकालता नहीं था, मसीह शब्द जल्दी से कोई निकालता नहीं था। इसने इस बात को बोला क्या तू मसीह, तो मैं आपको भी बचाऊ किससे, तो बहुत सुने तेरे कहानियां बहुत सुनी है, मेरे दोस्त भी थे तो छके हुए, लेकिन आज मौका यह है कि आज ये पीड़ा ये मुसीबत ये कष्ट ये दर्द ये सारी चीजें तेरे ऊपर है, अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। इस प्रकार की कहती है। इस पर इसके साथी दोस्त ने बोला जो दोनों कुकर्मी थे, दोनों पापी थे, दोनों ने डकैती डाली होगी, दोनों ने पता नहीं क्या क्या करा होगा साथ में। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तब कि एक चोर एक डाकू के मन के अंदर परमेश्वर का भय होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता होगा। इंसान से तो डर नहीं है लेकिन परमेश्वर का डर परमेश्वर का भय तो कहीं ना कहीं अंदर रहता ही है। इस बात को बोलता है क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। आगे लिखा हुआ है वही करने पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार करने पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, इस पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधी। अभी यहां तक की बात के ऊपर हम तो ध्यान को केंद्रित करेंगे कि एक व्यक्ति जो डाकू है जो यीशु को जानता है, उसके नाम को जानता है, उसके नाम को जानता है, उसकी चर्चा सुन चुका है, आज उसको उकसाने की कोशिश कर रहा है, आज उसको फिर से इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि तू अपने आप बचा और हमें बचा। ये प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति है। जब एक इंसान का विषय से दूर होता है तो उसको कोई मतलब नहीं होता आत्मिक वस्तुओं के लाभ का, उसको सिर्फ संसारिक वस्तुओं का लाभ होता है और वो सिर्फ सारी चीजें जो मेटेरियलिस्टिक होती है उसी के ऊपर ध्यान देता है और जो संसारिक वस्तुओं के ऊपर अपने ध्यान को अपने मन को लगाता है तो वो परमेश्वर से दूर होते हैं। मैंने पीछे अपनी शिक्षा के ऊपर मनन करा था, आप लोगों को संडे में बताया था कि संसार का लोभ और लालच हमको परमेश्वर से दूर करता है। ये लालची प्रवृत्ति का इंसान था, एक बार फिर इसने अपना दिमाग चलाया, एक बार फिर इसने अपनी
कोशिशें करी क्योंकि इसको मालूम था कि मैं मरने वाला हूं, इसको मालूम था कि मैं मरने वाला हूं। इसका तरीका दूसरा और दूसरे वाले का तरीका दूसरा, दोनों बचना चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि दोनों बचना चाहते हैं, एक उसको बुरा कहकर के बचना चाहता है, एक उसको जान करके बचना चाहता है, उसको समझ करके उसकी मर्जी के अनुसार बचना चाहता है, एक उसके ऊपर प्रभाव बना करके बचना चाहता है, एक उसको जोर से बोल करके बचना चाहता है, एक नम्र होकर के बचना चाहता है, एक उसकी इच्छा में वो करके बचना चाहता है, एक उससे आदेश दे रहा है, एक उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। These two things is very different. दोनों के अंदर बड़ा परिवर्तन है। ये स्वभाव आज मेरा और आपका भी हो सकता है। हमारा तरीका क्या है परमेश्वर से मांगने का, हमारा तरीका क्या है परमेश्वर को सुनने का, हम सोचते कैसे अपने परमेश्वर के लिए, हमारी मांग कैसी है, दोनों के नजरिए अलग हैं, दोनों जीवन तो जा रहे हैं लेकिन दोनों का जीवन मांगने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है ना। दोनों का जीवन मानने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी बातों को डाकू है ना, उस तरीके दिखाने की कोशिश कर रहा है, दो में आप तुम बचाओ और हम भी बचाओ। और यीशु मसीह क्या कहता है, प्रभु जब आप अपनी बादशाहत में आएंगे तो मेरी सुधि मुझे। बस इसको वे ऑफ कन्विंसिंग, हाउ टू कन्विंस जीसस क्राइस्ट, इसको मालूम है यीशु मसीह को कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे मनाया जाए, वो प्रार्थना इसको मालूम है। ये एक प्रार्थना थी उसकी, ये एक याचना थी उसकी, रिक्वेस्ट थी उसकी, ऑर्डर नहीं था, वो ऑर्डर कर रहा था। इसीलिए आप इस बात को देख सकते हैं, जब पहले वाला प्रकार की जोर से बोला ना प्रभु से, तो प्रभु शांत रहा और कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, प्रभु वेट कर रहा था देखो क्या होता क्या है। इस पर रिएक्शन यीशु ने कुछ नहीं दिया, इस पर रिएक्शन बगैर वाले ने दिया। मैं सोच रहा हूं कैसे झांक रहे हैं दूसरे को, यीशु तो बीच में है ना, यीशु मसीह तो बीच में लटके हुए हैं, वो उधर आपस में वार्तालाप करती होगी, अब इतनी हाइट के होंगे और इतनी हाइट के बाद में आपस में बातें करें, बस सोचो जरा दिन दोपहरी का समय, यीशु मसीह बीच में, एक दाएं और एक बाएं, तू झांक पाएंगे क्या, ए तू कैसी बातें कर रहा, परमेश्वर से नहीं डरता, परमेश्वर हमारे बीच में, दूसरा वाला क्या कहता है, अपने आप को बचाओ और हमें भी बचाओ। क्या मंथन, क्या बातें, क्या कन्वर्सेशन वहां बीच में चल रहा होगा, दोनों के बीच में आपस में बातें कर रहे होंगे। इसने आप दोनों के हाथों में कीले ढूंढे में है, पैरों में कीले ढूंढे में, कांटों का ताज सिर्फ यीशु मसीह के सर पर, कांटों का ताज सिर्फ यीशु मसीह के सर पर है। और इसलिए सर से जो सिस्टम दर्द दे रहा था वो सिर्फ यीशु मसीह दे रहा था, अगर करने वालों को इसलिए मस्त उनका ब्रेन वर्क कर रहा है, मस्त उनके दिमाग के अंदर काम चल रहा है, मस्त वो बचने की कोशिश करें, क्योंकि जब एक बार सुई लगती है ना, सुई लगने से पहले जब हल्की होगी तब दर्द होता है, जब सुई लग जाती है कोई दिक्कत नहीं होती। किसी के पैर में जब रॉड लगती है, जब काम होता है, जब ऑपरेशन होता है, तब पता चलता है, लेकिन जब गल जाती है तो गली रहती पता कम चलता है ना। ठीक एक बार टूट गई पैरों में, हाथों में तो ठीक है, एक बार शुरुआत में दर्द हुआ, जब किलो जोर से दौड़े पड़े तब दर्द हुआ, लेकिन अब इनकी जुबानी चलने लगी, इनकी जुबान खूब चल रही है, पहला बार दर्द कर रहा है। तू अपने आप को ये कहता है, सब कुछ करने वाला चमत्कारी बताता है, मसीह बताता है, अपने आप को बचा। दूसरा कहता है कैसी बातें कर रहा, परमेश्वर कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस बात के ऊपर ध्यान दे रहा था कि कैसे बातचीत कर रहे हो यीशु मसीह तो बीच में ना, यीशु मसीह तो बीच में है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह उस वक्त में ना बोले, लेकिन दूसरा वाला इस पक्ष में बोल पड़ा कि प्रभु मुझे माफ कर, हम तो न्याय अनुसार न्याय अनुसार प्रतिफल को पा रहे हैं, क्योंकि हम गुनेगार हैं, हम गलत हैं, हमने गलतियां की, हमने पाप किए, हम तो न्याय अनुसार प्रतिफल को पा रहे हैं, लेकिन प्रभु जब तू राज में आना ना तो मेरी सुनी। तो प्रभु ने कहा बेटा
एक घंटे का बैठकर या एक काम करके मैं ड्यूट दाता उससे मुलाकात करूंगा। कैसा कहा? प्रभु ने क्या कहा? आप ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक, आज ही तू मेरे साथ ना होगा स्वर्ग लोक। प्रभु हमको और आपको इमीडिएट ब्लेस करते हैं, देरी नहीं लगाते। इसलिए हमको और आपको अपने परमेश्वर के पास में विदाउट एनी डिले देर नहीं करनी है, हमको उसके पास आज समय है, आज वक्त है, आज गुड फ्राइडे है, अपनी स्थितियों को भी गुड कर ले, क्योंकि बहुत सारी इविल चीजें घुसी ने, ये इविल प्रवृत्ति का इंसान था ना, जिसके दिमाग के अंदर शालीनता नहीं थी, जिसके मन के अंदर शांति नहीं थी, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा धरती पर कि मुंह छुटकर करके नीचे जाऊं, ये यीशु के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि क्रूस से उतर करके प्रभु के साथ ऊपर जाऊं। एक धरती की चीजों को ध्यान देता है, यदि ये इसके मन में आ गया ना तो ये बचा लेगा उसको मन मुद्दे के अंदर, यदि एक बार इसके मन में आ गया तो बचा लेगा, लेकिन दूसरा वाला क्या कह रहा है कि प्रभु मैं तेरे साथ में अपने राज में मेरी स्थिति है बस, यानी कि प्रभु के साथ जाने की कोशिश कर, और ये नीचे और ये ऊपर, आप हम और आप सोचे हमें कहाँ जाना है, हमें नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, ये मेरे और आपके आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आज हमारी मेंटेलिटी, आज हमारी सोच कैसी है, ये तो कुकर्मी लोग थे, हम कैसे होंगे यदि आज अच्छी सोच के साथ प्रभु के पास में बैठे हुए हैं, अपने आप को गुण बना रहे हैं, क्योंकि वो वाला इज्जत था और ये वाला गुण था, यीशु के सामने खड़ा किसके बगल में, ऑफिसर्स का ऑफिसर है वो, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, चिंता करता है, आप सोचो किसके बगल में, जब हेरोदेस के बाद में यीशु को ले जाया गया ना तो हेरोदेस बहुत खुश हुआ था, ये डाकू बगल वाला कितना खुश हुआ, किसके बराबर में कौन है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जगत का उद्धार करता, मुक्ति दाता, इसी के से तुरंत देर न करते हुए प्रभु मैं आज अच्छा हूं, क्या हो गया, कैसे चलना, तो जिसने अपने गुनाहों को माना, कर्म का माना करना, जिसने कहा हम तो अपने गुनाह अपने सजा न्याय अनुसार पाने को हम पापी हैं, इसने तो पाप नहीं किया, इसका मतलब यीशु मसीह के विषय में सब कुछ जानते थे ना, एक अपने शहर के विषय में मॉडल के विषय में जानकारी होती है पुलिस को या फिर चोर को, है ना, होती कि नहीं होती, किसके घर में ताला लगा किसको पता होता है, और इसके लिए वो दिन वास्तव में गुड फ्राइडे एक आनंद का दिन हो गया, क्योंकि यीशु ने तुरंत उसको कंफर्मेशन कर दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक, कल परसों का मसला नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक होगा। आज हम और आप अपने प्रभु के साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो अपनी तैयारियों को अच्छा करें, अपने आप को अच्छा बनाएं, ताकि हम परमेश्वर के राज में उस स्थान पर जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है, जो मेरे और आपने रखा है, उसमें पहुंचने के लिए अपने आप को पूरी रीति से गुड फ्राइडे की सर्विस अटेंड करने का कारण क्या है कि हम भी गुड होते हैं ना, हम भी गुड होते हैं, और ये हमारे और आपकी इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाए, हमारी गवाहियों में ये लिख दिया जाए, जब हम कभी भी खड़े हो तो हम बता दें, बस हमको सब याद होगा गुड फ्राइडे की सर्विस थी, बड़ी अच्छी बात है, लोग कहते हैं कि आप इस त्यौहार में बदल दें, आप बताना अपनी गवाहियों को कि मैं इस दिन गुड फ्राइडे की सर्विस में, इस साल की गुड फ्राइडे की सर्विस में वचन दिया जा रहा था, उस वचन ने मेरी जिंदगी को उस डाकू के समान बदल दिया जिसने अपने गुनाहों को मान लिया था, और मैंने भी उसी दिन अपने गुनाहों को मान लिया, उस दिन मेरी चंगाई की दुआ नहीं हुई, उस दिन मेरी किसी और चीज की दुआ नहीं हुई, मेरे पर हाथ रख के दुआ नहीं की गई, उस दिन परमेश्वर के वचन ने मुझे चंगा कर दिया, और उस दिन मैं अंदर से लेकर के बाहर, बाहर से लेकर के अंदर तक पूरा चेंज हो गया, और प्रभु से यही प्रॉमिस करा कि प्रभु जीना मसीह और मरना परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष बरकत दे, और हम सब प्रभु के प्रेम को और निकटता से बचपन में सीखेंगे और जानेंगे। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। ऐ महान कुमार खुदावंद यीशु मसीह।
उन्होंने अपने बेहद रहम से सभी पर एक बड़ेगार की तौबा कबूल की। हम पर तो इस वक्त तेरी रहमत और माफी के खास गवाह है। रहम की नजर कर ये बख्श कि हम तुझ पर सही ईमान रखें और अपने गुनाहों पर नादिम होकर सच्ची तौबा करें। सब ताइब मुहों मुजरिमों मर्दिमों और कैदियों को गुनाहों की माफी और अपना आसमानी इत्मीनान बख्श और हमें अपने बेशकीमत खून से धो ताकि हम इस लायक ठहरें कि आने वाले जहान में तेरी हुजूरी की खुशी और मुबारक खानी में शरीक हूँ। क्या तेरे ही रहम से हो। आमीन।